लेकिन रोहित भाई, आपकी मम्मी को तो भगवान जी के पास गए 2 साल हो गए, तो फिर आज उनका ऊपर से कॉल कैसे आ गया? संतोष लोडू, तोड़ो साले गोंडे। I'm really sorry, मैम, ये सुनकर मेरी का उसे किसी और ने नहीं, अपने रोहित ने प्रेजेंट किया है। केस होने वाले बच्चे का बाप है क्या? लेकिन इसकी उम्र तो कुछ ज्यादा छोटी नहीं लग रही है। दया, तोड़ दो दरवाजा। बेटा तुमने फेस क्यों कवर किया हुआ है अपना? वो क्या है ना मम्मी, इसे एलर्जी है हॉस्पिटल से। और आप प्रेग्नेंट नहीं है, आपने ज्यादा अल्कोहल ले लिया था जिसकी वजह से पेट में गैस होने की वजह से आपको वॉमिटिंग हो रहा था। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ना उसको सबक सिखाना है, तो आप एक ऐसी रिपोर्ट बना देंगे जिसमें मैं प्रेग्नेंट हूँ? अच्छा, मुझे फिर से फंसाया जा रहा है। रोहित, अच्छा तो मेरा शख्स बिल्कुल सही था, तो वही है ना जिसने इनको प्रेग्नेंट किया है? डॉक्टर, मैंने कब प्रेग्नेंट किया? अभी तो आपने रिपोर्ट दी ना। हाँ, वो तो इनका लक है कि ये प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन तूने तो इनके साथ रंगरलियां पूरी मनाई होगी ना, तभी तो ये अपना टेस्ट करवाने के लिए मेरे पास आई थी। और तू जैस्मिन, तेरे को पूरी दुनिया में बस एक यही लड़का मिला था? यहाँ चल क्या रहे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैस्मिन देखो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। ये मैडम है ना, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? मैं गई थी तुम्हारे घर तुम्हें फंसाने? रोहित नाम के लड़के होते ही चूतिया हैं। अबे ओ मैडम, बहुत हो गया तेरा, अपनी लिमिट में रह। बॉयफ्रेंड है वो मेरा, और इसे चूतिया बोलने का हक ना सिर्फ मुझे और किसी को नहीं। बेटा करिश्मा जी सही कह रही है, ये लड़का ही बेकार है। अरे सासू माँ, मैं बेकार नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। ओ सासू माँ के चाचा, सासू माँ होगी तेरी माँ, समझा? और कितना भोला बनकर दिखा रहा था, तेरे को एलर्जी है क्लिनिक और हॉस्पिटल से? हाँ तेरी तो एलर्जी मैं निकालती हूँ, रुक जरा। तो फिर अभी मम्मी प्लीज रोहित को गलत मत समझो, ये बुरा लड़का नहीं है। माना इससे गलती हुई हो सकती है, पर ये इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। चलो रोहित यहाँ से। और आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपकी वजह से तो इतना बड़ा गोलमाल हो गया। और सुनिए, आप टीचर हैं, बच्चों की लाइफ बनाना आपका काम है, उनकी जिंदगी से खेलना नहीं, समझी? ये अंदर क्या चल रहा था, बताएगा तू मुझे? अरे कुछ भी नहीं चल रहा था, बकवास चल रही थी, तुमने देखा तो? नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे, मुझे अभी बता। यार बेबी, मैं सच में तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। तुम मुझसे पक्का को छुपा रहे, मुझे अभी जानना है। अब यार इसे कैसे समझाऊं? वो बेबी क्या है कि ना, गोलमाल। अरे वो देखो, लड़कियों के कपड़े और मेकअप पे 99% का ऑफ चल रहा है, देखो देखो। कहाँ है 99% ऑफ? कहाँ है यार ऑफर, मुझे तो नहीं दिख रहा। ये कहाँ गया? Thank God, आज तो बच ही गया। ये क्या कर रहा है? ओ, इधर देखे। रोहित भाई, क्या चीज है ये, हमें भी बताइए। अभी थोड़ी देर पहले कुरियर वाले भैया देखे गए हैं, ये आपने मंगवाया है क्या ये? हाँ, ये माई फिटनेस की सुपर फिट टैबलेट है। अबे इसी की वजह से तो मैं इतना एक्टिव रहता हूँ, और मेरे फेस पे इतना ग्लो भी है। और तुझे पता है इसको लेना बहुत आसान है, रुक तुझे दिखाता हूँ। बस एक ग्लास फ्रेश वाटर चाहिए। बस एक टैबलेट निकालो, फ्रेश वाटर में डाल दो, और थोड़ा वेट करो डिसॉल्व होने का। और डिसॉल्व होते ही पी लो। और तुझे पता है इसे पीते ही ना बहुत गुड वाइब्स आती हैं। रोहित भाई, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसमें से एक आध टैबलेट हमको भी दे दीजिए ना। नहीं, अगर तुझे ये टैबलेट चाहिए और आपको भी चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके ऑर्डर करो माई फिटनेस की सुपर फिट टैबलेट।
ओए, तू वहां से भाग के क्यों आया था? बोल, क्यों भागा था? मैं कब भागा? वो तो मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया था, इसलिए जल्दी जल्दी आ गया। इम्पोर्टेंट काम? कौन सा इम्पोर्टेंट काम? अरे लगे रोहित फसगो दिखे, बचाना पड़ेगा यार। अरे रुको रुको, वो मैंने बुलाया था रोहित को कॉल करके। हाँ देखा, इसने मुझे बुलाया था। लेकिन इसने क्यों बुलाया तुझे? अब वो तो यही बताएगा ना। पता भाई क्यों बुलाया तूने मुझे? मैंने भाई तो यार बुलाया, वो लगे वो भी खूगो दिखे, कल तो फ्लैट पे ना आया, ऊपर से मैंने कॉल किया है, वहां साले ने फोन भी नहीं उठाया। मजा आ गया यार, मस्त नींद आई। अब ये क्या ड्रामा चल रहा है? अरे कहो यार भाई, यार तू तो मैं सुबह तक ढूंढ रहा हूँ। अबे गांड के अंधे, अंदर ही तो सो रहा था, तुझे दिख नहीं रहा था क्या? लेकिन ये तो यही है। देख रोहित, बहुत बकचोदी होगी तेरी। तू मुझे बता रहा नहीं बता रहा कि तू मुझसे क्या छुपा रहा है? बता रहा हूँ यार, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में ये सब हो गया। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? देखो मैं ना करिश्मा मैम के घर गया था उनसे बात करने के लिए, तो मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे फेल इसलिए किया है क्योंकि उनके हस्बैंड का नाम भी रोहित है मेरी तरह, और उनका डाइवोर्स भी चल रहा है। अबे लाला, करिश्मा मैडम का डिवोर्स चल रहा है क्या? हाँ भाई, का रास्ता तो कतई साफ है अब दोनों भाभी। अच्छा लेकिन मैम का डिवोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके वाला रोहित उन्हें चीट कर रहा है और लड़कियों के साथ अय्याशियां कर रहा है। वैसे चीट तो अपना रोहित भी कर रहा है। हाँ भाई कह तो तू सही रहो। तो फिर मैम के सामने जब मेरा पेपर आया तो मेरा नाम पढ़कर मैम खुद को रोक नहीं पाई, इसीलिए उन्होंने मुझे फेल कर दिया। फिर मैंने मैम से रो पीट कर रिक्वेस्ट करी अपने आप को पास करवाने के लिए। अच्छा ये सब तो ठीक है, पर तू मुझे ये बता, तू मेरी मम्मी के क्लिनिक क्या करने गया था मैम के साथ? मुझे कुछ टेस्ट करवाने, तो बस इसीलिए तुम्हारी मम्मी के क्लिनिक चला गया और तुम्हारी मम्मी ने मुझे मैम के साथ देख लिया और इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। ओहो यार, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं चली जाती मैम के साथ क्लिनिक। देखो जो होना था हो गया, मैम ने मेरी हेल्प कर दी, मैंने उनकी हेल्प कर दी, अब सब खत्म। लेकिन यार मम्मी के सामने तो तेरी इमेज खराब होगी ना। मैं काम करती हूँ, अभी उनके साथ जाके सब कुछ क्लियर कर लेती हूँ। अरे रुको रुको, नहीं नहीं अभी मम्मी के साथ कुछ क्लियर मत करो। एक काम करते, थोड़े टाइम बाद हम दोनों खुद बात करेंगे तुम्हारी मम्मी से, ठीक है? क्योंकि देखो अभी इतनी सारी चीजें हो गई है तो अभी बात करना ठीक नहीं रहेगा, थोड़े दिन रुक जाते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक गॉड मेरा रोहित करिश्मा मैम के रोहित के जैसा नहीं। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। थैंक गॉड आज तो बच गया। अब तुम तीनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? रे बावे क्या बवाल मचा कर आए तू बाहर? मैं बवाल मचा कर नहीं, सब खत्म करके आया हूँ। खत्म मतलब? मतलब कि करिश्मा मैम प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? हाँ वो मैम के पेट में गैस हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। कामा खतने दिनों से मेरी फाड़ रखी थी मैडम ने। करिश्मा मैम प्रेग्नेंट नहीं है ये तो अच्छी बात है, मगर आपको हम तीनों की शर्तें तो याद है ना? हाँ हाँ पता है पता है, उसका भी कुछ इंतजाम कर रहा हूँ मैं। अबे करिश्मा मैम गई तेल लेने, तू मेरी बात सुन। एक तो इतने साल बाद बॉबी पास हुआ है, ऊपर से गंडों ने मुझे पार्टी नहीं करने दी, कहते जब रोहित पास होगा तब करेंगे पार्टी। हाँ तो भाई हो गया रोहित पास, हो गया तुम्हारा मित्र पास, तो भाई क्या बोलते हो आज रात को करें पार्टी? पी भाई। नहीं नहीं बोल भाई, हम नहीं पियेंगे। ऐसे कैसे नहीं पिएगा? पी। अरे रोहित भाई, रोहित भाई इनको समझाइए ना, हम शराब नहीं पियेंगे रोहित भाई। पिलाओ पिलाओ साड़े को। वही तो Bobby.
शोर मचा दिया रे। अरे रोहित भाई सिर्फ लौंडिया के साथ कमर मटकाओगे, हमारे साथ भी नाच लो। सत्य तूने तो कतई लटकाड़ दिया, मजा आ गया। संतोषी देखा है ना, मजा ही बॉबी भाई। बॉबी देख संतोषी पागल होगा। प्रिंसिपल सर का मैसेज क्या कह रहे हैं? ओए रोहित, ओए मैं तेरा प्रिंसिपल बोल रहा, और मेरा फोन क्यों नहीं चुक रहा? ओए गल सुन ले, कल मेरी टेबल ते ना मिठाई पहुंच जानी चाहिए है। याद रखी पुत्र, अगर मिठाई कल ना पहुंची ना, तो जो पास करा सकता है ना वो फेल भी करा सकता है। हाँ बेटा, मिठाई टाइम ते पहुंचा दी। I know that you want it, you know that I got it, so let's get up on it, I'm ready to go. आइए 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 कृष्णा जी, आइए आजो 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 नहीं आजो बैठो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं इसलिए आई थी क्योंकि इस मंथ ना मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी नहीं आई है। वो सैलरी मैंने ही रुकवाई थी। क्यों? ओ क्या है ना करिश्मा जी, आप इतने दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी, तो सोचा इसी बहाने थोड़ी बहुत मुलाकात भी हो जाएगी। हुँ? 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 हाँ सर, वो मैं इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही है। क्या हुआ करिश्मा जी? मेरे होते आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम यू सॉल्व कर दूंगा। हाँ जी ठीक ही है सब, आप बस मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए कि मैं आगे काम कर सकूं। आओ 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 जी आओ, साढ़े कॉलेज टॉपर आ गए। बेटा तुमने बड़ा ही बेकार टाइम पे आया है, क्या काम है? ये लो सर आपकी मिठाई। अरे इसकी तो जरूरत थी। हेलो मैम। सर आप मुझे मेरी सैलरी दे रहे हो, वरना मुझे कोई शौक नहीं है फालतू लोगों के साथ बैठने का। करिश्मा जी आपने रोहित को फालतू बोला, इट्स ओके, पर मैं तो आपका अपना फालतू। नहीं नहीं सर, मैंने आपको फालतू नहीं बोला, आपने जिसको समझा है मैंने उसी को फालतू बोला है। अच्छा अच्छा, आपका मतलब कि ये फालतू ही है। फालतू ही है सर, आप मुझे दे रहे हो नहीं सैलरी। देखो करिश्मा जी, मेरे पास ना अभी इतना कैश नहीं है, तो सर आप मुझे ऑनलाइन दे दीजिए। ऑनलाइन में वो मजा कहाँ जो ऑफलाइन में है। अभी क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो नहीं रही ना, तो आप मेरे बेडरूम में आ जा, मेरा मतलब है कि मेरे बाथरूम में। अबे मैं क्या बोल रही हूँ, एक दो दिन में ना मेरे ऑफिस में आ जाना, तो मैं आपको दे दूंगा सैलरी। सैलरी ठीक है सर, फिर मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगी करिश्मा जी, इतने दिनों बाद आई हो हैं? बताओ क्या लोगी, कॉफी कुछ ठंडा या गर्मा गर्म चाय? और वैसे मेरे से ज्यादा गर्म इस दुनिया में आपको कुछ चीज नहीं मिलेगी। नहीं नहीं सर थैंक यू, वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है, तो किसी और दिन, मैं अब चलती हूँ। बाय बाय। पूरे ऑफिस में ना खुशबू खुशबू कर दी है, तुझे नहीं आई? अच्छा ठीक है सर, फिर मैं भी चलता हूँ। अरे रुक रुक रुक, तू बैठ 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 बैठ। मिठाई तो तेरी मुझे मिल गई, पर एक बात बता। क्या? मैडम के साथ कनेक्शन कैसे बनेगा, कैसे इनसे बात बनेगी मेरी? अच्छा तो अब प्रिंसिपल जी को मैडम के साथ चक्कर चलाना है, तो उसके लिए तो खर्चा पानी लगेगा। खर्चा पानी? अरे करिश्मा जी के लिए तो पैसा मैं यूं पानी की तरह बहा दूंगा। वो कितने चाहिए तुझे? हमारा सैमसंग ठीक करा दीजिएगा भाई। यू डब्बा तो वो मेरा, बस अब एक
पेटी और मंगा दियो यहाँ की। टीचर की बोतल टीचर्स। एक काम करो 10,000 रुपए दे दो सर। 10,000 बस। अरे इतने तो मैं भिखारियों के लिए गिन के रखता हूँ। कम है क्या? एक काम करो 15,000 दे दो। बस 10 ही काफी है। पहले भी तू मुझे लल्लू बना के गया था, पर इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा काम पूरा हो जाएगा? अरे सर पैसे ले रहा हूँ, जबान दे रहा हूँ, तो आपका काम तो होगा ही ना। वाह, वैसे तेरी बात का कोई लॉजिक तो नहीं है, पर तेरा आइडिया क्या है वो बता मुझे। ये मैडम अभी किस लिए आई थी यहाँ पे? अरे वो मैडम अपनी सैलरी के लिए आई थी, पर मैंने ना इनकी सैलरी रोक के रखी है ताकि कुछ मुलाकातें होती रहे। बढ़िया, तो अब आप एक काम करना, सैलरी मैडम के घर देने जाना। अच्छा फिर? और मैडम के घर ना रात को जाना। रात के टाइम में? भाई मजा ही आ जाएगा, लेकिन रात के टाइम में किसी के घर जाना अच्छी बात थोड़ी ना है। अरे सर मैंने रात का टाइम इसलिए बोला कि रात को मैडम का पीने का टाइम होता है। अच्छा ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर मैं उनके घर गया और उनका अगर पीने का मन ना हो तो, और उनकी दारू की बोतल खत्म हो गई हो तो क्या हो गया ना मेरे 10,000 रुपए खराब। अरे सर जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो एक दारू की बोतल भी ले ही लेना, और मूड बनाना तो आप जानते ही हो। अभी आप ही ने तो मैडम से बोला कि आपसे ज्यादा कोई गर्म चीज नहीं है इस दुनिया में, फिर मैडम को मिलाएंगे रूम जाके। बस बस इसके आगे मत बता, मैं जानता हूँ कि आगे क्या करना है, उसका तो मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है निकल निकल। तेरे घर आया मैं, आया तेरी लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, तेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। हाय साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन यूं शर्माए, आ गया करिश्मा। दारू की बोतल ले दी है। किससे हंस हंस की बातें हो रही हैं? तो मुझे भी बता। अरे कोई नहीं मम्मी, रोहित है। रोहित वही ना जिसने तेरी कॉलेज वाली करिश्मा मैम को प्रेग्नेंट किया था? मम्मी आप फिर से शुरू हो गए ना, रोहित ने ऐसा कुछ नहीं किया था, आपने खुद ही तो रिपोर्ट बनाई थी, आप भूल गए, मैम को सिर्फ गैस थी और कुछ नहीं। अरे तेरी मैम को तो सिर्फ गैस हुई थी, लेकिन मुझे लगता है वो गैस ना तेरे दिमाग में चढ़ गई है, तेरे को इस प्यार के नशे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जैस्मिन। मम्मी चल यार, रोहित करिश्मा मैम के साथ सिर्फ उनकी हेल्प करने आया था आपके क्लिनिक, और आपको सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और कुछ नहीं, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा अगर वो रोहित का बच्चा सिर्फ हेल्प करने के लिए आया होता तो करिश्मा मैम उसको अपने बच्चे का बाप क्यों बताती? क्या? हाँ जी उनके बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, नहीं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मेरे पास क्यों आती? रोहित ने तुझे सब कुछ सच नहीं बताया है, वो तो उससे झूठ बोल रहा है। नहीं मम्मी रोहित ऐसा कुछ नहीं कर सकता, रुको मैं उससे ही पूछ लेती हूँ। अरे उस झूठे मकान इंसान से पूछ के तुझे क्या मिलेगा, वो तो तुझे झूठ ही बोलेगा। अगर तुझे सच जाना है ना तो तू करिश्मा मैम से पूछ, वो तुझे सब कुछ सच सच बता देगी। पर मेरे पास करिश्मा मैम का नंबर नहीं है। मैं देती हूँ तुझे नंबर। हेलो मैम, जैस्मिन दिस साइड। जैस्मिन कौन? मैंने पहचाना नहीं। मैं डॉक्टर हनीशा की बेटी, आपसे क्लिनिक में मिली थी ना उस दिन। हाँ हाँ आ गया याद, बोलो क्या हुआ? मैम वो एक्चुअली मुझे जानना था कि आपके और रोहित के बीच में उस रात क्या क्या हुआ था जब वो आपके घर आया था। ये तो सही मौका है उस रोहित से बदला लेने का। हाँ उस रात को वो मेरे घर आया था अपना रिजल्ट के बारे में बात करने, और फिर मैंने उसको बोला कि मैं उसका पेपर चेक कर लूँगी, लेकिन उसने मेरे घर में दारू की बोतल देख ली और पीने की जिद करने लगा। मैंने भी उसे बोल दिया कि पी लेते हैं, लेकिन बस एक एक पैग, और फिर पता नहीं उसने मेरी ड्रिंक में क्या मिला दिया कि मैं बेहोश हो गई, और जब मैं सुबह उठी
तो वो अपने कपड़े पहनकर भाग रहा था। पता नहीं उसने रात को मेरे साथ क्या क्या किया होगा। हेलो। अबे ओ चूती है, मुझे 2 मिनट में अपने घर के पास मिल, आ रही हूँ मैं। अरे लेकिन अब इसको क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों थी? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम फोन पर इतने गुस्से में क्यों थी? देख मुझे सब पता है तुम मुझसे क्या छुपा रहे और तूने क्या गोलमाल की है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बता मुझे उस रात क्या क्या हुआ था तेरे और करिश्मा मैम के बीच। अरे तुम्हें किसने बता दिया कि मेरे और करिश्मा मैम के बीच कुछ हुआ था? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी करिश्मा मैम से बात कर कर आ रही हूँ, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मम्मी ने भी बताया कि तू उनके साथ क्लिनिक आया था और उन्होंने कहा था तू उस होने वाले बच्चे का बाप है। और कितना झूठ बोलेगा तू मुझसे? जैस्मिन, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, जो भी हुआ जाने अनजाने में हुआ। और मैं तो पी भी नहीं रहा था, मैम ने जबरदस्ती मुझको पिलाई। हाँ तू छोटा बच्चा है ना, तुझे कोई भी कुछ पिलाएगा और तू पी लेगा। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैंने ये सब किया होता तो क्या तू मुझे माफ करता? बस मुझे मेरा जवाब मिल गया। नहीं जैस्मिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जो कुछ भी हुआ जाने अनजाने में हुआ, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुझे अपना समझ के मार लेती थी मैं, पर तूने अब वो हक भी खो दिया। आज से जो हमारे बीच था सब खत्म। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, कि लिखे लेख किस्मत ने। बार बार रोड़ किया तैनु जो न देख सकिया, आज क्या हुआ बच्चा? तेरी तेरे बिन मैं ता जिया ना मरा। अच्छा मैंने तुझे समझाया था ना कि रोहित तेरे लिए सही लड़का नहीं है। सुना सुना लागे जग, सुना सुना लागे कोई रही ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। ले जा बाबे, ले जा, पी जा पूरी बोतल और बन जा कबीर सिंह। अरे ऐसे ब्रेकअप तो होते रहे वे। रोहित ने आज के दाल चावल लगाए, कतई जहर बन रहे। हाँ लाला भाई, जहर ही लग रहे हैं, थूक का भी स्वाद नहीं आ रहा इनमें। और ये दाल चावल है, दाल चावल के नाम पे चावल ही चावल है, दाल तो है ही नहीं इसमें, कोई कुत्ता भी ना खाए इसे। गोलमाल। अरे सर आप हमारे यहाँ आइए आइए, प्लीज कम आइए। मेरी करिश्मा ने किसी छड़े लड़के को बुलाया, वो भी इतना सुंदर नौकर।
आप कौन जी? मैं करिश्मा का हस्बैंड रोहित। ट्रेंच और एक और रोहित, लगता है अपना नाम भी ना रोहित रखना पड़ना है। सर कुछ कहा आपने? करिश्मा देखो कौन आया है। सर, सर आप यहाँ कैसे हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ करिश्मा जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सर, बट इतनी रात को आप यहाँ? अरे मैं ना वो आपकी सैलरी देने आया था। और ये बोतल? अरे कॉलेज वालों की तरफ से सभी टीचर्स को एक छोटा सा गिफ्ट दिया गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना करिश्मा जी को भी दिया जाए, तो ये आपके लिए। अच्छा वैसे आप दोनों का डिवोर्स होने वाला था ना? हाँ जी, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब सब क्लियर है, अब हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। सर 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 क्या हुआ, क्या हुआ? I'm dead! क्या हुआ? आप पहले से भर गए। भाई साहब थोड़ा पानी लेके आना। जी मैं लेके आया। मैंने पर्दे नए लिए हैं क्या? ये भी पूरे कॉलेज की तरफ से गिफ्ट है मैडम, ले लो। सर ठीक है मैडम जी, मेरी दिल की दवाई लेने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। कितना अजीब आदमी है, ठोरकी कहीं को। अरे सर कहाँ गए? चले गए। और ये पानी तुम पियो, मैं तो वोडका पीऊंगी। आँखियों से दरिया बह गया है, ख्वाब वो अधूरा रह गया, जग भी पराया हो गया है, जुदा तेरा साया हो गया। हेलो साले कुत्ते, कमीने, हरामखोर, तेरा बताया गया प्लान ना बिल्कुल फ्लॉप हो गया। मेरी बात सुन, कल सुबह तक मेरे 10,000 रुपए मेरी टेबल पर चाहिए, वो भी ब्याज समेत। और समझता है ना, एक घंटे का पूरा 10,000 ब्याज लगेगा। बेटा मेरी बात याद रखियो, जो तुझे पास करवा सकता है ना तो सारे पेपरों में फेल भी करा सकता है। मुझे मेरे पैसे वापिस चाहिए, साले फोन रख। तेरी दुनिया मुझे अब ना गवारा है, हंसी जो हमारे बीच था सब खत्म, पर तू हंसती रहे बस यही सहारा है। उसे देखे हुए भी यारों एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा एक तरफा हो गया, मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा एक तरफा हो गया। सो हे गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको थर्ड पार्ट भी बहुत पसंद आया हो, और इस थर्ड पार्ट के साथ गोलमाल सीरीज का एंड होता है। वैसे तो मुझे 5 एपिसोड बनाने थे, बट इनको बनाने में काफी टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से चैनल पे वीडियो काफी लेट आ रही है। महीने में 2 वीडियो आ पा रही है, तो मैं चाहता नहीं इतना ज़्यादा डिले हो, इसलिए थर्ड पे स्टॉप करते हैं, बाकी रेगुलर कंटेंट आता रहेगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ इस मंथ एक और वीडियो डाल दूँ उसके अलावा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, बिकॉज जो टॉपिक मैंने सोच रखा है अगर मैं उस पर बनाऊँगा तो 15-20 दिन चले जाएंगे, इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उस टॉपिक पर वीडियो पक्का बनाऊंगा और इसी मंथ डालूंगा। और बाकी गाइज, अगर आपको थर्ड एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी शेयर कर सको, प्लीज शेयर जरूर करना, ताकि हमारे चैनल की रीच अप हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाए पहले की तरह। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखो, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं आपको नई वीडियो की अपडेट मिल जाए, जैसा कि सब जानते ही हैं। और हाँ गाइस, मैं इंस्टाग्राम पे अपनी लेटेस्ट वीडियोस के ट्रेलर वगैरह और पोस्टर वगैरह सब अपलोड करता रहता हूं, और वहां पे काफी अपडेट रहता हूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूजर नेम @AniketBenival। और डिस्कॉर्ड पे भी मैंने अपना सर्वर बना लिया है, वहां पे भी जाके यार ज्वाइन करो, वहां भी मैं लोगों के साथ कनेक्ट रहता हूं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और हाँ गाइस, सुपर फिट के ये टैबलेट ऑर्डर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 999 के ऑर्डर पे आपको 100% कैश बैक भी मिलेगा, तो नीचे दिए हुए लिंक से जाके ऑर्डर करो और सच में ट्राई करो, बहुत अच्छी चीज है, आपको यूज करनी चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। लव यू ऑल, बहुत जल्द मिलेंगे, कमेंट करके बता देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। बाय।